हेलो स्टूडेंट्स, हम आज फिफ्थ क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। वंडरफुल वेज स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। त्रावणकोर कहाँ है अब? केरला में। त्रावणकोर के महाराजा अपने पैलेस, अपने महल में ग्रैंड डिनर, बहुत बड़ा रात्रि के भोजन का आयोजन करते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में रात्रि के भोजन से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट होती है बहुत बड़ी दावत। महाराजा किचन में जाके देखते हैं, सर्वे करते हैं जो रात को भोजन बनने वाला, यानी कि जो डिशेज बनने वाली थी। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। महाराजा ने कुक से पूछा कि तुम स्क्रैप होती है बची खुची जो सब्जी, यानी कि सब्जियां जो बची खुची हुई थी उसके बारे में महाराजा ने पूछा कि तुम इसका क्या करने वाले हो। किससे पूछा? कुक से। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। अब कुक ने कहा कि ये वेस्ट हो चुकी है, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल। तुम इस तरह ये बची हुई सब्जियों को वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, कोई रास्ता निकालो जिससे तुम इसको यूज़ कर सको। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने बड़े ही कठोरता से कहा और चल दिए। द कुक वॉज इन अ फिक्स। अब कुक जो है, इन अ फिक्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शंका में, संदेह में, बहुत ही दुविधा में होना। अब जो कुक है वो बहुत ही दुविधा में था एंड कैप स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। और उन स्क्रैप जो वेजिटेबल बची खुशी वेजिटेबल थी उन्हें घूरने लगा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने सारी वो जो सब्जियाँ थी वो ली और उनको अच्छे से धो दिया, यानी कि वॉश कर दिया। देन ही कट देम इन टू लॉन्ग स्ट्रिप। उसने उसको उन सब्जियों को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने उसे एक बहुत बड़े मटके में डाला और उसे एक चूल्हे पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर। उसने उसमें कुछ कोकोनट, ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च और लहसुन डाला। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। उसने उसमें कुछ ये पेस्ट डाला और थोड़ा सा नमक डाला। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग होती है मन को मोहने वाली, एक बड़ी अच्छी महक उस पॉट में से आने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी। उसने उसमें कुछ दही डाला। ही आल्सो पोर्ड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेट द फिश विद द करी लीव्स। उसने उसमें कुछ कोकोनट ऑयल डाला, यानी कि नारियल का तेल डाला और उसको करी के पत्तों से डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है वट अ सरप्राइज। द न्यू डिश वॉज रेडी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। जो कुक था उसने सबको सर्व कर दी, वो जो भी वहाँ गेस्ट आए हुए थे। एवरी वन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सब उस न्यू डिश के नाम को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, देन ए न्यू नेम केम टू हिज माइंड। कुक ने सोचा और एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट एवियल। उसने उसका क्या नाम रखा? एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। अब जो एवियल है वो पूरे केरला में बहुत फेमस हो गया है और जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल होते हैं उसमें उसके एक दावत के रूप में एवियल को बनाते हैं। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। ये सब कहाँ से आया? जो वेस्ट बास्केट के अंदर जो वेस्ट वेजिटेबल थी वहाँ से ये सब कुछ आया। इस प्रकार इस कुक ने इस वेस्ट वेजिटेबल में से एक अच्छी डिश तैयार कर दी वेस्ट का यूज़ करके। अब न्यू है, आगे है न्यू फ्रेजेज में है इन अ फिक्स, ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। नेक्स्ट है
flash across the mind, suddenly think of. Lo and behold, look, what a surprise. Traditional feast, hearty meal for many guests served on a special occasion. अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, महल में किसकी तैयारियां चल रही थी. आंसर है, देयर आर प्रिपरेशन फॉर ए ग्रैंड फेस्ट इन द पैलेस, महल में एक बहुत बड़ी दावत की जो तैयारियां चल रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा आफ्टरनून में किचन में क्यों गए थे. द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू सी वट डिशेज हैड बिन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट, जो फेस्ट की जो डिशेज है वो देखने के लिए महाराजा वहाँ गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप, कुक ने क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करने का. द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप, कुक ने प्लान किया था कि इन वेजिटेबल स्क्रैप को फेंक देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. Chilies थी, first हमारा chili, उसको circle कर देंगे. Coconut भी था, garlic भी था, ground nut नहीं थे, roasted peanuts भी नहीं थी, broken bangles भी नहीं थे, wood ये नहीं. Ingredient बोला ना, curd ये था, vegetable scrap थे, curry leaves थे, इनको हम सर्कल कर देंगे. इंग्रेडिएंट पूछा है उन्होंने तो इनको हम सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस, तो महाराजा ने अपने पैलेस में डिनर का आयोजन करवाया था, ये ट्रू है. सेकंड है, नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर, किसी ने एवियल के बारे में पहले ना ही तो सुना था और ना ही उसे टेस्ट किया था, तो ये भी क्या है, ट्रू. थर्ड है, द कुक हैड प्लान टू मेक अनोदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप, तो ये क्या है, फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेसिपी इज द लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर ए डिश, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल्स, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर, ये आपको प्रिपरेशन करने के डिश प्रिपरेशन के वो दे रखी हैं, इनको आप नंबर वाइज जो जो हम पहले करेंगे उस तरह लगाते चलेंगे. तो फर्स्ट है, वॉश एंड क्लीन द वेजिटेबल ऑफ वेजिटेबल बिट्स. सेकंड पे क्या आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप. थर्ड पे क्या आ जाएगा, ग्राइंड सम कोकोनट एंड ग्रीन चिली एंड गार्लिक. फोर्थ पे आ जाएगा वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन. फिफ्थ में आएगा पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप. और सेवन्थ में आ जाए एवियल इज रेडी. इस तरह हम इनको लगा देंगे सीरियल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इन द बुक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, चूज फाइव थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर. तो इन्हें हमें ऑर्डर में लिखना है, सिर्फ पांच थिंग. तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, सेकंड चेंज माय स्कूल यूनिफॉर्म, थर्ड आई वॉश अप, फोर्थ आई हैव लंच, और फिफ्थ है आई डू द होमवर्क. आई डू द होमवर्क, इस तरह इन्हें हम अरेंज कर देंगे फाइव सेंटेंसेस में.